कि ये कौन सी आइटम बनाती है, इसकी प्रायर बेसिस क्या है, आपके रिलेटेड क्या चीज़ वो बनाते हैं, और उस पे सारी मेहनत आप फोकस करो कि ये चीज़ें हमने जो है वो लिख के दे के जानी है, ये चीज़ें हमें इंटरव्यू में पता चलनी है। मेरे वो बड़े सारे दोस्त 90% वो फॉरेन बैठे थे इसी वजह से कि इंटरव्यू के लिए सारी जो है अरेंज करवा देते हैं इंस्ट्रक्टर हमारे टीचर, ये कहते हैं इस जगह जाके जो है ना आप इंटरव्यू दो, लेकिन नतीजा क्या निकलता है क्योंकि हमने स्टडी तो की नहीं, हमने ये क्या है कि हमने इधर से पासिंग मार्क्स दिखाए, आगे इंटरव्यू में ये दो चार चीज़ें पूछेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन वो पूछते हैं अपनी फैक्ट्री के रिलेटेड, और फैक्ट्री के रिलेटेड कोई स्टडी करके नहीं जाता। इस जगह पे जाके हमारे 90% फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, कि कोई जो है जाके ये नहीं चेक करता कि यार इस फैन डिवीजन हम जा रहे हैं, GFC फैन में मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे रिलेटेड कौन कौन सी आइटम्स हैं, मैं वायर को तो नहीं डील कर सकता, वाइंडिंग मैं नहीं कर सकता, मैंने करना है बॉडी जो एल्यूमिनियम की बनती है उस पर स्टडी करनी है, उस पर आगे क्या ये क्या चीज़ कर रहे हैं, इसमें इनोवेशन कौन सी आ सकती है, इस तरह की इस जगह पर जाके हमारे 90% बंदे फेल हो जाते हैं। वो लड़के जो भी आगे इंटरव्यू वाले मैनेजर्स बैठे होते हैं वो कहते हैं इस लड़के को कोई कुछ पता ही नहीं, लेकिन पता उस लड़के को होता है, ब्रीफ नहीं कर सकता, ब्रीफ नहीं कर सकता, उसने मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है कि यार इस ये मिसाल के तौर पे आप स्टील पे गए हो, स्टील इंडस्ट्री है, आपने कोई नहीं इंडक्शन फर्नेस थोड़ी सी पढ़ ली है, लेकिन आगे जो उसने मे भी कोई और मशीन लगाई है वो उसका सारा सवाल